नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 18,000 के रेंज में बेस्ट मोबाइल फ़ोन को बताऊंगा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमने रखा है रेडमी नोट 11S 4G। इसमें 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पंचोल के साथ दिया गया है। इसमें 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इसका बैक पैनल ग्लास का और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। अब बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैक में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा अच्छा दिया गया है, इस कैमरे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा पंचोल के साथ दिया गया है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर दिया गया है जो एक 4G प्रोसेसर है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल सिम स्लॉट दिया गया है, यानी एक साथ 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें 5 GB तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। अब बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर दिया गया है। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 17,499 रुपये पे करने होंगे। वीडियो देखने के साथ साथ टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे नंबर पे हमने रखा है वीवो T1 5G। इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। इसमें 6.58 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले वी नॉच के साथ दिया गया है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम 600 की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। अब बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, साथ में LED फ्लैश दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा वी नॉच के साथ दिया गया है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है जो एक 5G प्रोसेसर है। यह एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। इसमें 5G के 2 बैंड दिए गए हैं। सिंगल मोनो स्पीकर, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि एक साथ 2 सिम या 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसमें 4 GB रैम तक वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट का चार्जर दिया गया है। यह 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 16,999 रुपये पे करने होंगे। अगला फ़ोन है मोटोरोला Moto G71 5G। इसमें 6.4 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो एक पंचोल के साथ आता है। इसमें मैक्स विजन का सपोर्ट दिया गया है। इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। अब बात करें इसके कैमरे की तो इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, साथ में LED फ्लैश दिया गया है। इस कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं सेल्फी के लिए पंचोल के साथ 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है जो एक 5G प्रोसेसर है। इसमें 5G के 13 बैंड दिए गए हैं। इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है। इसमें केवल 2 सिम यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है। इसके बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसमें IP53 रेटिंग भी दिया गया है, यानी हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें 5000 mAh बैटरी दिया गया है और इसी को चार्ज करने के लिए 33 वाल्ट का टर्बो चार्जर दिया गया है।
यह 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ 18,999 रुपये का है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऑफ़र में यह 18,000 से कम की प्राइस में मिल जाता है। अभी हमने कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताया जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जो प्राइस के हिसाब से बेस्ट मोबाइल फ़ोन है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।